जाए हाय रे याद पिया डॉक्टर जी, वो कोई खुशखबरी तो नहीं? ये कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में इनको बदहजमी तो हो सकती है, खुशखबरी नहीं। जिया की हालत से लग रहा है कि खुशखबरी है। तो अब? अब ये कि अगर जहारा को भिनक भी पड़ गई ना तो समझो कयामत आ जाएगी। कहाँ गए थे आप लोग? वो नसीम है ना, उसकी तबीयत खराब थी जरा, लेकिन जल्दी उतरी, आंख खुल गई थी सर दर्द से, आवाजें भी दी, मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई नहीं घर पे, तो खुद ही चाय बना ली थी। हाँ वो बस वो हमारे लिए इतना करती है तुम तो जानती हो, तो सोचा पूछ लेना चाहिए उसे। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैं कुछ देर आराम करूंगी। अच्छा की जरूरत है ना, फूक फूक कर रखना तुझे, खुशी में ये कोई बेवकूफी ना कर बैठी। देख नुकसान सिर्फ तेरा नहीं, इसको खुशखबरी सुना दी बड़ी बाजी। अरे नहीं अभी नहीं सुना, बस कम उसे बता तो दो। पागल हो गई है क्या? हारिस को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएगा, और खुश होके जिया का ख्याल रखेगा। अब जहारा से कौन छुपाएगा, छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो बेचारी जिया पे बड़ा ही तरस आता है, बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना सकती ठीक तरह से। वो अरे तरस तो मुझे भी बहुत आता, लेकिन आखिर को ये बात कब तक छुपा सकते हैं? जब तक मुमकिन होगा छुपाऊंगी। मुझे हारा को नहीं जानती, हारिस को हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है। वैसे बड़ी बाजी, ये हारिस ने ना बाहर जाने की जिद में सब कुछ बर्बाद कर डाला। अरे अब इस बात का क्या रोना, बस ये दुआ करो कि अल्लाह मियां आगे अच्छा करे। हाँ अल्लाह अच्छा ही करे। अब यहाँ पे जिया की खाला भी तो नहीं है ना, वरना कुछ दिनों के लिए उसे वहीं भेज देते। बहुत खुश हो, होना भी चाहिए, बात ही ऐसी है। मेरे दुख पे तुम खुशी नहीं मनाओगी तो और कौन मनाएगा? मना लो खुशियां उस वक्त तक जब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हो जाता कि मेरी महरूमी भी हारिस को तुम्हारे करीब नहीं कर सकती। नहीं जी, मुझे तो बहुत दुख है कि आप। क्या हुआ?
زبان بند ہو گئی؟ نہیں جی، بہت دکھ ہے مجھے آپ کی. میرے حصے کے دکھ بانٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، کیونکہ میں تمہیں تمہارے حصے کے دکھ دینے والی ہوں. مجھے کمزور مت سمجھنا. پورے 6 سال کا تھا میں جب سجاد صاحب یعنی بڑے نواب کی دکان پہ نوکر ہوا تھا. جی جی کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی وہ. جب تک وہ تھی سب کچھ ٹھیک تھا، ان کے جانے کے بعد تو سب کچھ بگڑ گیا. یار ویسے یہ نواب صاحب نے دوسری شادی کی کیوں؟ اب جھک ماری تھی، مت ماری گئی تھی ان کی، عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی. اب جی جی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. اتنے سالوں میں اتنا بکھرا نہیں دیکھا میں نے، دکھ بھی تو بڑا ہے نا. 5% وہاں گھر پہ انکل سے یا کسی سے بات ہوئی؟ جہاں آرا جی گئی تھی نا، سلاح تو مل گئی ہوگی ان کو. چکنے کھڑے ان پہ کیا کوئی خاک اثر ہوا ہوگا؟ بلکہ رقیہ بیگم تو خوش ہوئی ہوگی نا. ساری زندگی دوسروں کی مدد کی جی جی نے، اور جواب میں ملا کیا دھوکہ. کاش میں حارث کو یہ خوشخبری سنا سکتی، کتنا وہ خوش ہوتے. منا لو خوشی اس وقت تک جب تک تمہیں اندازہ نہیں ہو جاتا کہ میری محرومی بھی حارث کو تمہارے قریب نہیں کر سکتی. میرے حصے کے دکھ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ میں تمہیں تمہارے حصے کے دکھ دینے والی. یا میرے خدا کیا کروں، یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ کوئی تو راہ دکھا دے. اماں کو بتا دیتی، نہیں وہ اور پریشان ہو جائیں گی. کیا کروں میں؟
ये लीजिए। ये क्या है? दुकान का किराया और हिसाब किताब महीने का निकाल कर जो मुनाफा बना वो। रिश्ते में हिसाब किताब करोगे? तुम्हारे लिए तो ये मुनाफे और नुकसान की बात है। लगता है कि इस रिश्ते में मैं एक घाटे का सौदा हूं तुम्हारे लिए। ये मतलब नहीं था मेरा। आपने शुरू किया ये कारोबार, हक है आपका इसमें। हमारा हक है? हाँ मैंने शुरू कराया था, लेकिन मेहनत तो तुमने की है। इसमें से बस मुझे घर का खर्चा दे दिया करो तो मुझे खुशी होगी। बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये नफा नुकसान मुनाफे की बात आइंदा मत करना। इतना बड़ा मत बनाए मुझे, औकात नहीं है मेरी। ठीक है, शादी के वक्त मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी तुमसे, लेकिन अब मुझे तुम पे पूरा यकीन है। छोटे नवाब, 5% वो आपा मेरा फोन नहीं उठा रहे। वो तो मैं क्या करूं? 5% मुझे तुमसे मिलना। कब? अभी, बहुत जरूरी बात करनी। अच्छा ठीक है। क्या कह रहा था आदमी? क्या कह रहा? रो रहा था, कह रहा था आपा फोन नहीं उठा रहे। अब जीजी की मर्जी के आगे किसी की थोड़ी चलती, और इतनी आसानी से माफ करने वाली तो नहीं हूं। कोई काम याद आ गया मुझे, तो फिर मिलते हैं। हाँ क्या सोच रही है तुम? कुछ भी नहीं अम्मा। ठीक, इस तरह सोच सोच के परेशान हो जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और आजकल तुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र करनी चाहिए। मैं कैसे खुश रहूं अम्मा? आरिज जी अभी तक नाराज है मुझसे। मुझे तो ये भी नहीं पता इस वाक्य के बाद उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा है या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। क्या सोचा मतलब? मतलब ये कि अभी भी मुझे मुजरिम समझते हैं या नहीं। अरे नहीं, कोई मुजरिम नहीं समझता। अगर मुजरिम समझता होता तो तेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं था। एक बात याद रखना जिया, मर्द गैरत पे समझौता नहीं करता कभी। तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसे गुजर जाते हैं बगैर देखे। अरे पता तो है तुझे जहारा की तबीयत खराब, इसलिए बात नहीं करता। और बात करे तो जहारा पे कितना बड़ा फसाद खड़ा करेगी, ये भी तू अच्छी तरह जानती है। अरे तू तो समझती है ना हारिस की मजबूरियों को। अब फिर देख लेना, जब हारिस को पता चलेगा कि तू उसे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली है तो सब बदल जाएगा। अरे इलावा दे दो एक और, कड़क रखना जरा। हाँ बत्ती अच्छी हो गई ना? केक भी ताजा है, लग नहीं रहा। हाँ सही, अच्छी तरह प्यालियां साफ करके। हाँ प्याले बड़े अच्छे भाई। हैं एक बीच भी खाओ। अरे तुमने कब से बातें सोचना शुरू कर दी? तुम्हारे तो हंसने खेलने के दिन है छोटे नवाब। अगर मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो तो उठो यहाँ से, चलो। बड़े हॉट टू हैंडल चल रहे हो हैं, मामला बड़ा गर्म है, क्या बात है? पापा से बात करनी है मुझे, मेरा फोन भी नहीं उठा रही आप। जो कुछ हुआ घर में कल, मैं वहाँ जा भी नहीं सकता, मेरा एक पैगाम आप पहुँचा सकते हो।
बस इतनी सी बात? बोलो क्या बात है? मुझे जिया चाहिए, और वो भी किसी भी कीमत पर। मेरा ख्याल है कि जीजी तो तुम्हें सब कुछ बता चुकी है, उसके बावजूद भी? हाँ। अबे हारिस की चोरू है वो। जानता हूँ, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर मारी जा रही है कि उसके नाम के साथ किसी और का नाम मंसूब। उसके नाम के साथ सिर्फ एक ही नाम जुड़ सकता है, और वो है मेरा। आपा तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि उनको मेरी मदद करनी पड़ेगी। कह देना उनसे। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि खुद गर्जी की उस हद को पार कर जाऊंगा, अपनी बेटी से सब कुछ ही इस कदर छोटा हो गया कि औलाद का मुजरिम बन गया मैं। अंकल तुम मत रो, प्लीज संभालो। बहुत कोशिश की, मैं जाकर उससे माफी मांग लू, मगर उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता उसका सामना। देखिए रिश्तों को छुटलाया तो नहीं जा सकता, वो कल भी आपकी बेटी थी, अब आज भी आपकी बेटी है। रिश्तों को छुटलाया नहीं जा सकता, अगर रिश्तों को निभाया गया हो तो। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला उसके गुस्से, उसके चिड़चिड़ेपन के पीछे खौफ को। नहीं समझ लगा, काश काश इस वक्त को कोई पीछे ले जा सके। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। सख्मी शेर वाली हालत हो रही थी जी उसकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मेरे सामने वो बुद्धू और बुजदिल लाली बैठा है, मिजाज ही बदले हुए थे उसके। क्या कहा था मैंने, अगर पलट कर वापस आया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। सच 16 आने सच, लेकिन अब इस चेहरे का, खतरनाक चेहरे का कोई इस्तेमाल भी सोचने ऐसा ना हो कि खुद ही कुछ कर बैठे। चेहरा खुद कुछ करने के काबिल होता तो बातचीत खड़ी ना होती। देख लेंगी जी, काबू से बाहर ना हो जाए कहीं। नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। अच्छा अगर आए और पूछे कि आपने क्या कहा तो मैं क्या कहूं? मैं बात कर लूंगी, बस एक मौका चाहिए, एक मौका। तो मौका पैदा कर लेते हैं जीजा, हुकुम करें। अभी नहीं, तब ये तो मुझे आपकी पूछनी चाहिए, क्या हो गया था? मुझे क्या हुआ है भला, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एक बार अपने दिल से फैसला कर लीजिए और मुझे खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी नजरों में मुजरिम बनके मेरा जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल और तकलीफ देह हो चुका है। लगता है कि इस रिश्ते में मैं एक कांटे का सौदा हूं तुम्हारे।
पूरे घर को अचार खाना बना के रखा हुआ है। जिया हटाओ ये सब। क्या हो गया, उठाती क्यों नहीं हो? हटाओ इसे यहां से। पर जिया, अरे रुक, अरे ये क्या कर रही है? वो भी हालत में। सुबह तो कह रही थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो वो छोड़ दे, मैं कर लेती हूँ। ठीक तो है, उठाने क्यों नहीं देती आप इसे? तो मैं कर लेती हूँ ना, तू छोड़ दे। मैं कर लेती हूँ ना खुद ही। अरे तेरे बाप की तो मत मारी गई है, हा? उसने आके यहाँ पे रोना धोना क्या मचाया? ड्रामा कर रही है ड्रामा। अरे बहन नहीं है, डायन है वो, डायन। ये जरूर उसका कोई नया ड्रामा है। अम्मा अगर तुम्हें यहाँ सुकून से खड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं तो बता दो, चला जाता हूँ यहाँ से। चुप कर जा तू, माँ टेंशन में बैठी है और तू, तेरे नखरे भी खत्म हो रहे। अली अरे ऐसा तो नहीं, बाप तुझे और मुझे निकाल दे, जाके समझा अपने बाप को तू, जा। अरे अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बदल लोगी ना तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा तो तू भी अपनी माँ को ना सारे फसाद की जड़ समझता है, हा? अरे मैं तेरी सगी माँ हूँ के वो। अरे अम्मा बात सगी की नहीं, अगर तुमने आपा से बना कर रखी होती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते तू। लेकिन तुम्हें तो मौका चाहिए था हंगामा खड़ा करने का हर बात। कमबख्त, अपनी माँ को गलत बोल रहा है तू, हैं? अरे अली दफा हो जा, चला जा तू भी यहाँ पे। सुबह सुबह तेरा बाप तैयार होके निकल जाता है ना, तू भी जा अपनी उस सगी के पास, वही सबसे अच्छी है, हैं? मुझे तो लगता है दोनों बाप बेटा बिक गए हैं। कमबख्त, तेरा मतलब खराब हो जाए। मेरे लिए तो कोई उम्मीद नहीं बची अली, मेरा ख्याल था कि रुपए पैसे से मैं हारिस को हासिल कर लूंगी, लेकिन औलाद की ख्वाहिश के आगे रुपए पैसे की क्या अहमियत। अब्बा तुम रो तो मत, अरे मैं जुलकर कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम बस रोना बंद करो। ये सब इतना आसान नहीं है। अरे अब्बा जितना मर्जी मुश्किल हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तैयार हूँ। उससे मैं उस दिन भी पता नहीं क्या क्या कह गई मैं तुम्हें, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे ना। यकीन मानो मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, तो जिया की हकीकत जानकर संभल नहीं पाया और मुझे कुछ वक्त लगा, जैसे ही मैंने फैसला कर लिया मैंने सीधा तुम्हें कॉल किया। मैं जानती हूँ लेकिन थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा, सबर करो। बस जो भी है आपा, कोई हल सोचो। सोचना ही पड़ेगा वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे अली। मेरा तो ख्याल था कि जिया की हकीकत सुन के तुम पीछे हट जाओगे, कमजोर पड़ गई थी मैं, लेकिन अब तुम साथ हो तो हिम्मत बन गई है। बेचारा 5% दुकान संभाल दे रहा, मैं आ रहा हूँ। क्यों, खैर है? हाँ हाँ खैर है, आ रहा तैयार हो जो। क्यों? क्योंकि बाहर जा रहे हैं हम,
कहाँ बाहर जा रहे? जहाँ आपका दिल करे, क्योंकि इस कमरे से निकलना बहुत जरूरी है आपको। हारिस फिर किसी दिन चलेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है। इस कमरे में रहकर तो आपका मूड बदलने से रहा, इसीलिए तो बाहर लेकर जा रहा हूँ। हारिस बहस की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास, रेडी हो जाएं। अम्मा कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? बाहर जा रहे हैं, जरा रात तक आ जाएंगे। आइए। अरे जहां आ रहा साहिबा, कैसी तबीयत है बाप की? बेहतर है। तबीयत तो मुझे आपकी पूछनी चाहिए, क्या हो गया था? मुझे क्या हुआ है भला, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। ये बड़ी बाजी कहीं नजर नहीं आ रही? कमरे में। चले मैं उनसे मिल लेती हूँ। बड़ी बाजी, बेफिक्र रहो, वो नीचे बैठी हुई है। ये आपका सामान। अच्छा बात सुने, दोबारा से चेकअप के लिए लेके जाना है, डॉक्टर ने बुलाया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, पिछली बार भी जहारा की आंख खुल गई थी तो बहाना लगाना पड़ा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पूछने गए थे। अच्छा, जब भी वो मुझसे पूछ रही थी अभी तबीयत का। हाँ तो क्या कहा तुमने? हाँ मैं तो समझ गई थी बड़ी बाजी, मैंने तो कह दिया अब मैं काफी बेहतर हूँ। मेरा ख्याल है इस बार मैं जिया के साथ नहीं जा सकती। अगर जाना तो जरूरी है ना बड़ी बाजी, चेकअप भी तो जरूरी है। बस तो तुम ले जाओ ना। देखो मैं उनकी आचार का सामान लेना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नसीम के साथ जिया को भेज दिया। चलो चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, बैठो। तो दिन बदन बढ़ते जा रहे हैं अम्मा, खूब चमक रहा है कारोबार। बस बेटा मेहनत का फल तो मिलता है ना। हाँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, इंशाल्लाह और तरक्की होगी, तू देखना। अब तो खुश हो ना अम्मा, हारिस भी पास है और काम भी चल पड़ा है। हाँ बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप नहीं खा रही? हम्म,
हसीन तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी, ठीक है? आप साथ नहीं जाएंगी मेरे? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, जहारा को शक हो जाएगा। ऐसी खुशी का क्या फायदा, तो डर डर के जीनी पड़े, इससे बेहतर तो था कि मैं शुक्री कर रही है। मुझे पता है तेरे दिल पे जो गुजर रही है ना, मैं सब जानती हूँ, मगर ये इतनी बड़ी खुशी है इसलिए मुहतात रहना ही अच्छा है, समझा कर बात को। एक दिन मिलके खुशी मनाएंगे खूब धूम धड़के से, और वक्त देखकर हारिस को भी बता दूंगी, समझ आई? ठीक है, क्या हो गया है? अरे दोनों बाप बेटे कब तक मातम करते रहोगे, कब तक सोग मनाओगे? जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ये ठीक है, अरे दोनों बाप बेटा किस तरह से हाथ झाड़ के मेरे सामने खड़े हो गए हैं, जैसे सारा कसूर मेरा है। तुम लोगों को तो जैसे कुछ पता ही नहीं, तुम लोग तो बड़े नादान हो, हाँ सब कुछ मैं ही करती हूँ, अरे मैं ही बुरी हूँ। नहीं, कसूर तो सारा मेरा है, जो मैं आज कर रहा हूँ अगर वो पहले कर लेता तो नौबत यहाँ तक ना आती। अरे वो बना रही है और तुम बन रहे हो, हाँ कल को पछताओगे। मान लो, लिख लो मेरी बात, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर तुम्हारे मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकल सकते तो इस मुंह को बंद ही रखा करो। बस सब कुछ मेरा किया धरा है ना, मैं ही बुरी हूँ, और क्यों वो बंद कर लूं मैं, हाँ क्यों? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ के करना क्या है, क्या चाहते हो तुम? तुम मेरे साथ जहांरा के पास चलकर उससे माफी मांगो। क्यों? माफी? और मैं मांगू? अरे माफी मांगती है मेरी जूती, बल्कि मेरी जूती भी उससे माफी ना मांगे। ऐसा करो, इससे तो अच्छा कि मुझे जहर ला दो, मैं जहर खा के मर जाऊं बजाय इसके कि जाकर उससे माफी मांगू। तो मर जाओ, बाहर जा रहा हूं, ले आऊं जहर किसी अच्छी क्वालिटी का। कुछ तो गड़बड़ है 5%, कुछ तो चल रहा है। अरे जो कुछ आप बता रही हैं उस हिसाब से तो बहुत कुछ चल रहा है। तुम तो खड़े हो, पता कराओ जल्दी। जी उस नसीमे शहर पे नजर रखता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। हाँ ठीक, वो फटफटी के टायर बहुत तंग कर रहे हैं, बार बार पंक्चर ही हो जाता। काम असल में रुकना नहीं चाहिए ना, बिना रुकावट काम चलते रहना चाहिए। और तो कोई मसला नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगा गुजारा, मैं गुजारा कर लूंगा।
5%. तुम कहाँ दुकान पे हो इस वक्त? हाँ जी, सब खैरियत है ना? हारिस वहीं मौजूद है। जी, अब सब खैरियत है ना? घर आके मिलो, जरूरी बात है। जी अच्छा। कहाँ गए थे आप लोग? वो अचार का कुछ सामान लेना था तो मैंने जिया को भेज दिया नसीम के साथ। मेरी ना तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं। सामान मिला नहीं? सामान? हाँ, वो दरअसल ना मंडी बंद थी, दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है किसी बात पे, इसलिए। अच्छा बड़ी बाजी, मैं चलती हूँ। ठीक है, चाय पी कर जाए ना? नहीं नहीं, फिर कभी सही। अब तुम इतनी सुबह उठ गई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारा नाश्ता बना देती। जल्दी उठने की आदत डाल रही हूँ, सोते रहो तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है। सुननी होगी तुम्हें मेरी बात, और अभी सुनो। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दूंगी मैं। तो करो, करो हंगामा खड़ा। याद रखो, जो हंगामा तुम खड़ा करोगी वो घर तक जाएगा। ये ले। ये क्या है? ये बस इसकी एक खुराक जिया को किसी शरबत में मिलाकर पिला दे, सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। जिया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाने आया। जिया से मेरा ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते तुम, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। याद पिया।